सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 10वीं कक्षा में स्केल ड्राइंग में स्केल नंबर 23 की कागज पाठ करेंगे। इसमें लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर और हाइट है 84 सेंटीमीटर। और इसमें जो फुट्टा यूज होना है वो है 1.10 सेंटीमीटर। तो इसमें हाइट ज़्यादा है, 84 सेंटीमीटर, इसलिए हमने कागज़ को हाइट में रखा है और हमने लेंथ और ब्रेथ को जोड़ करके काटना है। तो 60 और 36 होते हैं 96, तो यहाँ से हमने 96 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ से हम लेफ्ट साइड से लेंगे तो ये हमारा 90 है, 92, 94 और 96 ये हमने ले लिया है। बची हुई शीट के हमने बराबर 3 भाग करने हैं। तो यहाँ से हमने एक न्यून कोण लेना है इस तरह से, और इसमें हमने जो हमने तिरछी रेखा ली है बराबर हमने 3 निशान इसमें लगाने हैं। देख सकते हैं जैसे 1, 2 और 3 इस तरह से। इसमें हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे 1, 2, 3। हमने क्या करना है, जो हमारा ये 3 है इसको हमने मिलाना है लास्ट पॉइंट के साथ। जैसे ये हमारा लास्ट पॉइंट है तो यहाँ हमने इसको मिलाना है इस तरह से। इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है 2 से, ये हमारा 2 है तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है 1 पॉइंट से इस तरह से। आप चाहो तो इसको नाप सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 बिल्कुल बराबर है। यहाँ से हमने एक भाग छोड़ देना है, उसके बाद हम काटेंगे इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 50 और 10 60 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक भाग छोड़ना है, यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाद हमारी ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने, ये आप देख सकते हैं यहाँ से 30 35 और 1 36 बिल्कुल बराबर है, एक भाग हमारा बच जाता है। तो अब हमने प्रकार उतनी खोल रखी है और हम यहाँ से एक भाग काट देंगे, हम देख सकते हैं एक भाग हमने काट दिया है। और अब हमने काटनी है इसकी लेंथ, और लेंथ हमारी है 60 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ पे 60 सेंटीमीटर काट देंगे, ये हमने 60 सेंटीमीटर काट दिया है। और हमने काटना है एक भाग, तो यहाँ से हम एक भाग काट देंगे। और अब हमने काटनी है इसकी ब्रेथ, और ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 30 35 और 1 36 सेंटीमीटर, एक भाग हमारा यहाँ पे बच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक भाग हमारा यहाँ पे बच गया है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे मिलाना है। हमने इसको भी पहले हल्की लाइन से मिलाना है और यहाँ पे बस हल्की हम अभी लाइनें लगाएंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने हाइट में इसको डिवाइड करना है, तो इसकी हाइट और ब्रेथ हमें जोड़नी है, और 84 और 36 है 120, तो हमने यहाँ से 120, तो ये 110 20 इस तरह से 120 सेंटीमीटर हमने काट दिया है। और बची हुई शीट के हमने बराबर 5 भाग करने, तो हम यहाँ से इसमें एक न्यून कोण ले लेते हैं इस तरह से। इस रेखा पर हमने बराबर 5 निशान लगाने हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से।
और हमने इसको हमने लास्ट पांच जो नंबर आपका है यहाँ पे, ये चार है, तीन, दो और एक, तो पांच को हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ मिला देना है इस तरह से। और इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है चार से, इस तरह से, और इसी के समानांतर हम रेखा लेंगे तीन से, फिर हम लेंगे दो और एक, इस तरह से इसको हम पांच भाग कर देंगे। आप चाहो तो इसको नाप सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये है एक भाग, तो इतना ही हमारा दो है, फिर आप देख सकते हैं तीन है, ये हमारा चार है, और ये बराबर है बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से दो भाग के बराबर हमने प्रकार खोलनी है, और हमने जो ये दो भाग है इतने हमने ऊपर से छोड़ना है यहाँ पे, हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम काटेंगे इसमें हाइट, और इसकी हाइट है 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम काटेंगे 84, तो ये है 50, 60, 70, 80, 82 और 2, 84, तो यहाँ पे 82 और 2, 84, ये हमने यहाँ काट दी, इसकी हाइट यहाँ पे आ रही है। अब तो हमने इसमें एक भाग काटना है, तो हमने यहाँ से एक भाग लेना है, यह हमारा एक भाग आ गया है, तो यहाँ पे हमने ये यहाँ तक इसकी हाइट आई थी, यहाँ से हमने एक भाग लेना है, ये हमारा एक भाग आ गया है, ये हमारा निशान है, ये हमारा है हाइट का, और यहाँ तक हमारी आई है इसकी, इसका एक भाग आ गया है। इसके बाद हमने लेना है ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ हमारी है 36 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ से 35 और एक 36, तो ये यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रहा है, एक हमारे यहाँ से दो भाग पीछे बच जाते हैं। हमने फिर वही यहाँ से दो भाग जितने प्रकार खोलनी है, जितना हमने ऊपर छोड़ रखा है ये, और हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ से हमने ये दो भाग हमने काटने हैं इस तरह से। उसके बाद हमने काटनी है इसमें हाइट, और हाइट हमारी है 84 सेंटीमीटर, यहाँ से 84 सेंटीमीटर हम लेंगे, तो ये 50, 60, 70, 80, 82, 84, यहाँ हम 84 काट देंगे, फिर हमने एक भाग जो हमने यहाँ काट रखा है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से एक भाग काट देंगे। उसके बाद हम काटेंगे इसकी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इसकी है 36 सेंटीमीटर, ये हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी, ये 30, 35 और 1, 36 सेंटीमीटर, दो भाग हमारे अपने आप पीछे बच जाएंगे, हम इनको मिला लेते हैं यहाँ से, ये लाइन हमें मिलानी है यहाँ पे, ये हमारी बनेगी यहाँ पे लेंथ, यहाँ बनेगी हमारी ब्रेड्थ, यहाँ हल्की सी लाइन हम आगे लगा देंगे हाइट लिखने के लिए, और उसके बाद यहाँ हमारी है इसकी हाइट आ जाती टोटल, तो यहाँ पे ये लाइन हम थोड़ी लंबी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी जो है वो आधा रेखा रहेगी, एक्स वाई लाइन रहेगी, और यहाँ पे ये हमारा एक भाग बच गया था, और इसके बाद हमारी आती है प्लान और प्रोजेक्शन, तो ये हमारा है प्रोजेक्शन, यहाँ पे ये हमारी लाइन आएगी, यहाँ हम थोड़ी सी लाइन और आगे लगा देंगे हाइट लिखने के लिए, यहाँ पे हम लाइन नहीं लगाएंगे पूरी, यहाँ सिर्फ हम निशान लगाएंगे, यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे इस तरह, और इसके बाद जो हमारी ये फालतू लाइनें हैं हम इनको मिटा देंगे इस तरह से, हम फालतू लाइनों को मिटा देंगे, और जो लाइनें हमारी फिक्की लगी थी वो भी हमने डार्क कर दी है, ये हमारी है एक्स वाई लाइन है, और यहाँ पे हम जो है इसमें निशान लगा देंगे
यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसकी हाइट, यहाँ हम लिखेंगे इसकी ब्रेथ, और यहाँ पे हम इसकी लिखेंगे लेंथ स्केल ड्राइंग की। इस तरह से इसकी हाइट है 84 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ है 36 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर। अब हम इसमें यहाँ पे एलिवेशन, साइट, प्लान, प्रोजेक्शन और स्केल कार्ड इसमें लिख देंगे। इस तरह से हम इसमें एलिवेशन, साइट, प्लान और प्रोजेक्शन लिख देंगे। यहाँ पे हम स्केल कार्ड बना देंगे, यहाँ पे जो हमने इसमें फुटा यूज किया है, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इसमें लेंथ है इसकी 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 84 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपकी स्केल है, स्केल नंबर 23। इस तरह से आपने इसकी कागज बाट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।